हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉकी टॉकीज। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि कौन कहता है सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, वो भी लेडीज के लिए, स्पेशली कोरोना में कौन कहता है? क्योंकि जैसे ही सैटरडे संडे आता है ना, बच्चों को चाहिए होता है ढेर सारा कुछ वैरायटी, ये दे दो वो दे दो, मम्मी वो रूटीन वाला खाना हमको नहीं खाना है, तो क्या करें? और एज अ मदर्स और मे बी मास्टर शेफ्स ऑफ आर हाउसेस, हम लोगों को लगता है कि जो भी हम उन्हें दें ना, वो कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी हो उसमें, है ना, लगता है ना? तो आज जो हम बना रहे हैं वो है प्रोटीन से भरा हुआ मंचूरियन। गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है? करिए गेस और मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपने क्या गेस किया और निकला क्या। तो चलिए देखते हैं कि क्या बना रहे हैं। सोया मंचूरियन मेरे स्टाइल में, तो चलिए देखते हैं। 2 कप सोया नगेट्स को 1 से 1.5 घंटा पानी में भिगा लिया है और उसका सारा पानी हमें इस तरह से निचोड़ कर ड्रेन कर लेना है। ये सारे सोया चंक्स एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और अब इसे डाल लेंगे एक प्रेशर कुकर में। उसमें हम डाल लेंगे पानी, पानी हमें इतना डालना है ताकि सोया चंक्स अच्छे से भीग जाएं। हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक। अब हमें इसे 2 विसल्स तक प्रेशर कुक करना है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, इसको प्रेशर कुक कर लेते हैं 2 विसल्स तक। 2 विसल्स के बाद देखिए ये बनकर हो गया है तैयार। इसका भी सारा गर्म पानी हमें अच्छे से ड्रेन कर लेना है। यहाँ पर एक पैन ले लेना है और उसमें डाल लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें डाल लेंगे जिंजर गार्लिक चॉप्ड। यहाँ पर मैंने 4 गार्लिक और थोड़ा छोटा पीस जिंजर का इस्तेमाल किया है। हमने इसे रफली चॉप कर लिया है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज अनियन जिन्हें हमने रफली चॉप किया है वो भी ऐड कर लेंगे। इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और ये सारा प्रोसेस हमको हाई फ्लेम पर ही करना है, क्योंकि चाइनीज सारे आइटम्स बनते हैं हाई फ्लेम पर। अब ये देखिए हो गया गोल्डन ब्राउन। अब हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज कैरेट्स को भी पील करके रफली चॉप कर ऐड कर लेंगे। ये मैंने सारे कैरेट्स ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे भी फ्राई करेंगे, थोड़ा सा स्टिर कर लेते हैं और हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज कैप्सिकम्स। इन्हें भी हमने रफली चॉप कर लिया है। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे सॉल्ट। यहाँ पर आप नमक अपने स्वादानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। क्योंकि इसमें सोया सॉस डलने वाला है तो नमक थोड़ा आप पहले कम ही डालिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं डार्क सोया सॉस, ये हम यूज कर रहे हैं 1 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल लूंगी ग्रीन चिली सॉस, ये आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटो केचप, ये मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा हमारे मंचूरियन में। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं टमाटो प्यूरी, रेडीमेड टमाटो प्यूरी ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। ये होममेड की टमाटो प्यूरी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको ग्रेवी टच देने के लिए। अगर आपको एकदम ड्राई चाहिए तो आप टोमेटो प्यूरी अवॉइड कर सकते हैं। अब हम डाल लेंगे हमारे ड्रेन किए हुए कुक सोया चंक्स और इसे अच्छे से स्टिर कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस आपको हाई फ्लेम पर ही करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स सोया चंक्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और वो दे बहुत ही यमी सा टेस्ट मंचूरियन का। ये देखिए बनकर हो गया है तैयार एकदम, और एंजॉय करिए इसे मंचूरियन को हमारे नूडल्स के साथ। सोया मंचूरियन तो हो गया है तैयार। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले आगे कौन सी वीडियोस आ रही हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून।